वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। आपको बता दें, बजट पेश होने के बाद ही राजनीतिक पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट के जरिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर कहा कि ये बजट वित्तीय रूप से दूरदर्शी, किसान, गरीबी, हितैषी और भारतीय मध्यम वर्ग की खरीद क्षमता को बढ़ाने वाला है। तो वहीं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा कि ये बजट जनता का बजट है, इससे सभी वर्ग के लोगों को फायदा होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस की घोषणा की नकल करने के लिए वित्त मंत्री का आभार। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। यह वोट ऑन अकाउंट नहीं बल्कि अकाउंट ऑन वोट है। वैसे आपको बता दें, इस बजट में युवा और बेरोजगार वर्ग के लोग अपने लिए भी राहत देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी राहत नहीं मिली। इतना ही नहीं, इस बजट में गरीब लोगों के लिए कुछ खास नहीं दिखा। जिस तरह से गरीब वर्ग के लोगों को उम्मीद थी कि उनके लिए भी कुछ होगा, लेकिन मोदी सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। SPN9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।